हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। स्टैटिक जी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे दिल्ली और उत्तर प्रदेश के जितने भी स्टैटिक जी के रिलेटेड टॉपिक हैं उनके बारे में। दोस्तों, ये वीडियो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जैसे ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, SSC के एग्जाम हो, जैसे CHSL, MTS, CGL, जहाँ पर भी फैक्ट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे रेलवे, PSC, MPPSC का फर्स्ट पेपर, इन सभी के हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जहाँ भी आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन आता है वहाँ भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वीडियो आपको साबित होगा। सबसे अच्छी बात तो ये है दोस्तों, इस वीडियो को बहुत शॉर्टली बनाया गया है ताकि आप एग्जाम से दो दिन एक दिन पहले सारे वीडियो को देख लें, ताकि आपका जितना भी स्टैटिक जीके का पोर्शन होगा वो इससे पूरा कवर किया जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं, बात करते हैं सबसे पहले दिल्ली की। तो मैप में ये लोकेशन आप देख पा रहे होंगे, ये दिल्ली है। इसकी जो सीमा है वह मैं आपको बता दूं, सीमा किस किस राज्य से लगती है। तो यहाँ से हो जाएगा हरियाणा और यहाँ से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो दिल्ली की सीमा हरियाणा और उत्तर प्रदेश इन दोनों राज्यों से लगती है। बात आइए राजधानी की, तो नई दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। यहाँ पर जो लिंगानुपात है वह 868 है। जनसंख्या घनत्व 11,320 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। प्रथम मुख्यमंत्री श्री ब्रह्म प्रकाश थे और प्रथम मुख्य आयुक्त शंकर प्रसाद हैं। बात करें उच्च न्यायालय की, तो दिल्ली उच्च न्यायालय है। हिंदी, पंजाबी और उर्दू मुख्य भाषाएं हैं। 11 जिले हैं। राज्यसभा की 3 और लोकसभा की 7 सीटें हैं दिल्ली में। बात करें राजकीय पक्षी की, तो गौरैया राजकीय पक्षी है। पशु लंगूर है। राजकीय पक्षी घूसर तीतर है। पड़ोसी राज्यों की बात की जाए तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश पड़ोसी राज्य हैं। वहीं राष्ट्रीय उद्यान असोला भट्टी अभयारण्य, ये अभयारण्य है दिल्ली में। बात करें दार्शनिक स्थलों की, तो दिल्ली में आपको बहुत से दार्शनिक स्थल देखने को मिल जाएंगे, जिनमें से मुख्य ये हैं दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट मैंने लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कुतुब मीनार कहाँ है, तो ये दिल्ली में है और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई थी। हौज खास को दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। तुगलकाबाद को गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। खिड़की मस्जिद, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खिड़की मस्जिद को जूना शाह के द्वारा बनवाया गया था दिल्ली में। फिरोजशाह कोटला को फिरोजशाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। पुराना किला सिरसा सूरी के द्वारा बनवाया गया था। लाल किला और जामा मस्जिद को शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। मोती मस्जिद को औरंगजेब के द्वारा दिल्ली में बनवाया गया था। इसके अलावा दोस्तों जंतर मंतर को सवाई जयसिंह के द्वारा, सफदरगंज मकबरा को सुजाउद्दौला के द्वारा, इंडिया गेट को हावर्ट बेकर और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में आपको देखने मिलेगा। वहीं लोटस टेम्पल, बिरला मंदिर और चांदनी चौक, ये कुछ इंपोर्टेंट मैंने जगह बताई जो दिल्ली में आपको देखने को मिलेंगी। बात करते हैं यूनेस्को साइट की, तो हुमायूं का मकबरा 1993 में यूनेस्को साइट में ऐड किया गया था। वहीं कुतुबुद्दीन द्वारा बनाई गई कुतुब मीनार को भी 1993 में यूनेस्को साइट में ऐड किया गया था। उसके बाद साल 2007 में लाल किला को यूनेस्को साइट में ऐड किया गया। बात करते हैं दिल्ली के कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट की, तो 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 1992 में NCT बनाया गया। अग्रसेन की बावली दोस्तों दिल्ली में ही स्थित है। कुछ राष्ट्रीय संस्थान भी यहाँ पर स्थित हैं, तो आपको मैं बता दूँ, कृषि अनुसंधान संस्थान, कृषि सांख्यिकी संस्थान, किसान उर्वरक कोऑपरेटिव संस्थान, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, प्रकाश और सूचना निर्देशालय का संस्थान और नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, ये सभी संस्थान दिल्ली में आपको देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं यहाँ पर जो हवाई अड्डे हैं उनके बारे में, तो दिल्ली में आपको 3 हवाई अड्डे देखने को मिलेंगे। पहला अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, पालम हवाई अड्डा और सफदरगंज हवाई अड्डा, ये 3 अंतर्राष्ट्रीय अड्डे हैं आपको दिल्ली में देखने मिलेंगे। कोलकाता के बाद भारत में 25 दिसंबर 2002 को मेट्रो चलाई गई दिल्ली में, तो कोलकाता के बाद दूसरा मेट्रो शहर दिल्ली बना था, जहां पर 2002 में 25 दिसंबर को चलाई गई थी। अब आपके लिए टास्क ये है कि 25 दिसंबर को किस महान व्यक्ति का जन्मदिन मनाया जाता है, ये महान बहुत बड़ा टास्क है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। चलिए दोस्तों बात करते हैं यूपी की, तो मैप में ये लोकेशन आप देख पा रहे होंगे यूपी की है। यूपी से जो राज्य उनके आपको बता दें कौन कौन से राज्य जो सीमा साझा करते हैं, तो सबसे पहले आपको बता दें मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये सभी राज्य हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी नेपाल की उत्तर प्रदेश से साझा करती है।
दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मैप खोलिए, मैप एटलस ले लीजिए। मैप में आप यूपी का ब्रॉड मैप खेल खोलो। ब्रॉड मैप में जब भी मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं या ऐसी लोकेशंस के बारे में बताऊंगा, आगे वीडियो में बहुत सारे फैक्ट हैं, बहुत सारी लोकेशंस दी हैं जो आपको मैप में सर्च करनी है, क्योंकि ऐसा करने से आपको फैक्ट तो याद होंगे ही दोस्तों, उस राज्य के बारे में भी पता चलेगा, साथ ही दोस्तों आपके लिए बहुत जल्दी फैक्ट याद करने में मदद मिलेगी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एटलस ले लें। आपको बता दें लखनऊ यहाँ की राजधानी है, इसका पूर्व नाम संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस था। जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंग अनुपात की बात की जाए तो 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष लिंग अनुपात है उत्तर प्रदेश में। बात करते हैं भाषाओं की तो हिंदी और उर्दू प्रमुख भाषाएं हैं। उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंड है और यहाँ का जो खंडपीठ है वह लखनऊ में है, ये भी आपको याद रखना है। जिला 75 हैं और मंडल कुल 18 हैं उत्तर प्रदेश में। बात करें सीमाओं की तो उत्तर में उत्तराखंड और नेपाल से, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, पूर्व में बिहार और झारखंड से, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान से, वहीं दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करती है। दोस्तों बात करते हैं विधानसभा सदस्यों की तो 404 विधानसभा सदस्यों की संख्या है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 100 है यूपी में। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31, वहीं लोकसभा सदस्य 80 हैं यूपी में। दोस्तों अगर बात करें विधानसभा सदस्य हो, चाहे वह विधान परिषद का सदस्य हो, चाहे वह राज्यसभा का सदस्य हो या लोकसभा का सदस्य हो, यूपी की सीटें सबसे ज़्यादा हैं पूरे इंडिया में। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, हर ये जो चारों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इनमें यूपी सबसे आगे है। चलिए बात करते राज की पशु की तो बारह सिंगा यूपी का राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी सारस है, पुष्प ब्रह्म कमल है और चिन्ह मछली है। बात करते प्रथम मुख्यमंत्री की तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत प्रथम मुख्यमंत्री हुए यूपी के। प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू थी। 1 नवंबर 1956 को यूपी अपना स्थापना दिवस मनाता है। बात करें पर्यटन स्थल की तो ताजमहल आपको पता ही होगा आगरा में है, सारनाथ, कुशीनगर, वाराणसी, प्रयागराज, रामबाग, आगरा, अयोध्या, छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, ये सभी पर्यटन स्थल या दर्शनीय स्थल आपको यूपी में देखने को मिलेंगे। बात करते हैं शोध संस्थानों की तो बहुत से शोध संस्थान आपको यूपी में देखने मिलेंगे, यूपी के अलग अलग सिटियों में देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको एक एक सिटी का नाम बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही है। बात करते हैं सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट की तो ये लखनऊ में है। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी लखनऊ में है। इंडस्ट्रियल टेक्सनोकोलॉजी रिसर्च सेंटर भी आपको लखनऊ में देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय वनस्पति औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। दलहन और तिलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में आपको देखने मिलेगा। चीनी और चमड़ा अनुसंधान केंद्र ये भी कानपुर में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र मथुरा में आपको मिलेगा। पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र बरेली में है। वहीं राष्ट्रीय चारागाह और चारा अनुसंधान केंद्र झांसी में है। तो ये कुछ शोध संस्थान और अनुसंधान केंद्र के बारे में हमने बात की। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की तो दुधावा राष्ट्रीय उद्यान, पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान, महावीर स्वामी राष्ट्रीय उद्यान और चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, ये राष्ट्रीय उद्यान आपको यूपी में देखने मिलेंगे। वहीं बात करें प्रमुख झीलों की तो गोखुर, भीमताल, रूपकुंड और चंदेला ताल, ये प्रमुख झीलें उत्तर प्रदेश में आपको मिलेंगी। नृत्य की बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, यूपी के नृत्य नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, जैता और थाली, ये प्रमुख लोक नृत्य हैं यूपी के। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही है। तो आपको इस वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार देख लें ताकि आपको जो भी फैक्ट हैं वो वैसे ही याद हो जाएंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 से 4 बार वीडियो आप देखेंगे तो आपको फैक्ट याद हो जाएंगे। बात करते हैं त्यौहार की तो जन्मोत्सव, कृष्ण जन्मोत्सव, ब्रह्मोत्सव, रासलीला, गंगा उत्सव, रामनवमी और नवरात्र, होली, ये प्रमुख त्यौहार हैं उत्तर प्रदेश के। बात करें गिनी पार्क स्टेडियम कहाँ पर है तो ये कानपुर में है और ये यूपी का सबसे बड़ा स्टेडियम है, ये भी आपको याद रखना है। बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय परिषद और ध्यानचंद स्पोर्ट स्टेडियम, ये आपको यूपी में देखने मिलेंगे। बात करते हैं यूनेस्को साइट की तो आगरा के किला को 1983 में यूनेस्को साइट में शामिल किया गया था, साथ ही ताजमहल को 1983 में ही यूनेस्को साइट बनाया गया था। फतेहपुर सीकरी को 1986 में यूनेस्को साइट में शामिल किया गया। दोस्तों बात करते हैं यहाँ की जनजातियों की तो बड़कुल, खरवार, सैरू, महासी प्रमुख जनजातियां हैं यूपी की। बात करें नदी किनारे जो बसे शहर हैं उनके बारे में
तो यमुना के किनारे जो शहर बसे हैं उनको आपको बता दें, मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, कौशुम्बी, हमीरपुर, ये सभी शहर यमुना के किनारे हैं। बात करें गंगा के किनारे बसे शहरों की, तो कानपुर, वाराणसी, कन्नौज, इलाहाबाद और गाजीपुर, ये गंगा के किनारे स्थित हैं। गोमती नदी के किनारे लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर, श्री राम गंगा, दोस्तों बिजनौर रामगंगा किनारे है, मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, ये भी रामगंगा नदी के किनारे स्थित हैं। बात करें सरयू के किनारे कौन सा शहर है, तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। तो ये कुछ किनारे बसे शहरों के बारे में फैक्ट हुआ दोस्तों, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करें अब कुछ डायरेक्ट फैक्टों की, वन लाइनर्स की, तो महात्मा बुद्ध सर्वाधिक समय इन्होंने अपना सिरवस्ती में बिताया था। वृंदावन गार्डन मैसूर में है, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। वृंदावन तो यूपी में आपको देखने मिलेगा, लेकिन वृंदावन गार्डन आपको मैसूर में देखने मिलेगा। पीतल उद्योग मुरादाबाद में स्थित है। हरित क्रांति का केंद्र शामली यूपी में है। बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ यूपी में ही स्थित है। रेणुकूट एल्यूमिनियम उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। रेणुकूट एक जिले का नाम है। सोनभद्र एकमात्र जिला है जो चार राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। सुहाग नगरी दोस्तों फिरोजाबाद को कहा जाता है, साथ ही चूड़ा नगरी भी फिरोजाबाद को कहा जाता है। रोहिलखंड का मैदान, अवध का मैदान, गंगा का मैदान आपको यूपी में देखने मिलेगा। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में स्थित है। देश का सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक लखनऊ में बनाया गया है। लखनऊ मेट्रो रोस्पा अवार्ड पाने वाली पहली मेट्रो बन गई है। पहली कॉरपोरेट ट्रेन दिल्ली से लखनऊ के बीच चलाई गई, जिसका नाम तेजस है। देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कुशीनगर में खोली गई है। रानी विद्रोह के जो झांसी की रानी है उनका विद्रोह दबाने के लिए यूरोज को भेजा गया था। भारत का सिराज जौनपुर को कहा जाता है। लखनऊ वाले क्षेत्र को अवध के नाम से जाना जाता है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लखनऊ वाले क्षेत्र को या अवध वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा लखनऊ। ग्रेनाइट की पट्टी ललितपुर में आपको देखने मिलेगी। सौर ऊर्जा प्लांट वाला प्रथम गांव रामपुर है। वहीं बात करें लोकोमोटिव वर्क्स की, तो 1961 में वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स का काम शुरू हुआ। सहकारिता क्षेत्र का भारत का पहला सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना फूलपुर में लगाया गया। चिकन हरी कढ़ाई के लिए लखनऊ प्रसिद्ध है, ये भी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है। चिकन करी कढ़ाई के लिए किस कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो ये है लखनऊ। बात करें दादर अर्ध शास्त्रीय नृत्य है। धार्मिक स्तूप सारनाथ में स्थित है और दशावतार मंदिर ललितपुर में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने बात की दिल्ली और यूपी के इंपोर्टेंट फैक्ट की। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे।